गाइस फाइनली आज के मैं आपको बताने वाला हूँ मेंस की कुछ सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स के ऊपर, जो कि हर लड़का डेली फेस करता है, बट वो मतलब उनको सॉल्यूशन नहीं मिल पाता और वो लड़के जो है ना वो हमेशा परेशान रहते हैं। बट आपका भाई जब तक है तो ये प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा फेस नहीं करनी पड़ेगी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम के ऊपर, जिसको आप तुरंत उसको फिक्स कर सकते हो। तो इस वीडियो को लास्ट देखते रहना। बाय द वे, इफ यू डोंट नो मी, माय नेम इज सैल एंड आई एम हियर टू टीच अबाउट मेन फैशन ग्रूमिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हो जल्दी चैनल सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन है उस पर टैप करना, और यार जो मेरा व्लॉगिंग चैनल है उसको भी जाकर जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि वहां पर जो आपका भाई है ना बहुत मस्त मस्त व्लॉग लाने वाला है। और प्लस जो KTM की पब्लिक रिएक्शन वाली वीडियो वो शूट हो रही है और वो कब ड्रॉप हो जाएगी चैनल पे उसका कुछ नहीं पता, तो जाके जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो। तो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है वो है बॉडी स्मेल। अब यार बॉडी स्मेल हर लड़के को होती है। अब मतलब लड़कों के अंदर से ना मतलब अलग अलग जगह से स्मेल आ रही होती है। अब सपोज करो कि आप किसी के साथ डेट पे गए हो या फिर अगर आप कहीं पर भी गए हो तो इतनी अजीब अजीब स्मेल मतलब बॉडी पर से आ रही होती है। अगर आप किसी लड़की के साथ डेट पे बैठे तो वो काफ़ी इरीटेट होती है और प्लस बात करने में भी लोग कंफर्टेबल नहीं हो पाते और वो कुछ टाइम बाद बहन का बोल के ऐसे गायब हो जाते हैं कि साला वो मतलब मन में ऐसे गाली वगैरह दे देते हैं और फिर वो चले जाते हैं। तो इसके अलावा क्या करना है कि यार अपना पॉकेट परफ्यूम अपने जेब में रख सकते हो। अब कोई भी जो छोटा पॉकेट परफ्यूम होता है ना उसको आप अपनी जेब में रख के घूम सकते हो, और जब भी आपको लगता है ना कि ऐसे बैड स्मेल वगैरह आ रही है तो जस्ट आप उसको अप्लाई कर सकते हो। और मैं पर्सनली बताऊं तो मैं खुद लेके चलता हूं, जब भी ऐसा लगता है कि बैड स्मेल वगैरह आ रही है तो जस्ट आप उसको नेक के पीछे या फिर रिस्ट पे या फिर अपने जो सॉक्स जो बंदे होते हैं ना धोके नहीं पहनते या फिर कुछ महीने महीनों की पहनते हैं तो उस टाइम पे आप उसको अप्लाई कर सकते हो। जो भी स्मेल है पूरी 2 मिनट में खत्म हो जाएगी और जो सामने वाले बंदे के साथ जो कन्वर्सेशन है वो आपकी बहुत आराम से हो सकती है और खुशी में हो सकती है बेसिकली, और वो आपसे काफ़ी अट्रैक्ट हो जाएगा अगर आप अच्छा महकोगे तो। नेक्स्ट हमारे पास है वो है इचिंग आफ्टर शेव। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब भी हम शेविंग वगैरह करते हैं, चाहे आप बियर्ड क्लीन करो, चाहे चेस्ट की हेयर क्लीन करो, चाहे हैंड की हेयर क्लीन करो या फिर आप बाकी समझदार हो आप, जब भी आप हेयर क्लीन करते हो वहाँ पर जो इचिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब यार इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है कि आपके पास कोई भी बॉडी लोशन या फिर जो मॉइस्चराइजर है वो होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप शेविंग वगैरह करते हो तो उसके बाद आपको बॉडी लोशन या फिर फेस पे मॉइस्चराइजर लगाओ आप, और लगाने के बाद जस्ट आपकी जो प्रॉब्लम है वो जस्ट यूँ सॉल्व हो जाएगी और बिल्कुल भी जो इचिंग की प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। जब भी आप शेविंग वगैरह कंप्लीट कर लेते हो तो बॉडी लोशन या फिर फेस मॉइस्चराइजर लगाना बिल्कुल ही मत भूलना। थर्ड हमारे पास है वो है बैक एक्नी। अब यार मोस्ट बंदों को दिक्कत क्या होती है ना कि बैक साइड में उनके काफ़ी एक्नी वगैरह बढ़ जाते हैं, मतलब जो छोटे छोटे दाने ना वो पीठ पर हो जाते हैं। तो यार इसको फिक्स करने के लिए आपको क्या करना है कि जब भी अगर आप जिम से आते हो तो जिम से आने के बाद आपको जो अपने स्वेटी क्लॉथ्स है ना उसको चेंज करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसे पसीने में भीगे हुए कपड़े पहनोगे आप तो उससे आपको जो पिंपल्स की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और सिर्फ बैक पेन ही आपको अपने स्टमक एरिया पर या फिर चेस्ट एरिया पर जो पिंपल्स की प्रॉब्लम है बढ़ जाएगी। तो आपको जब भी जिम से आते हो या फिर जब भी आप कोई मेहनत वाला काम करते हो जिसमें आप बहुत ज़्यादा पसीने में आते हो तो उसके बाद ना आपको जो क्लॉथ्स है वो चेंज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या फिर अगर आप स्कूल कॉलेज से आते हो आपके जो कपड़े बहुत ज़्यादा गीले हैं पसीने से तब भी आपको चेंज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मेक श्योर जब भी आप जिम से आते हो तो जिम से आने के बाद आपको आधे घंटे बाद ना शावर लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको जो पसीना वहाँ पर मतलब ड्राई होकर सूख ना जाए वहाँ पर, उसको वॉश होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो आपको जो स्वेट है वो वॉश हो जाएगा तो ये सब प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आने वाली। फोर्थ हमारे पास है वो है फोरहेड हेयर। अब यार काफ़ी बंदों में मतलब ऐसे प्रॉब्लम क्या होती है ना कि जो आगे के जो हेयर है ना वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। अब मतलब मैं पर्सनली बताऊं तो मेरे को भी ये प्रॉब्लम होती है, बट मैं क्या करता हूँ जब भी मैं सैलून पे जाता हूँ तो मतलब मैं 1-2 हफ्ते में एक बार चला ही जाता हूँ, और उस टाइम पे जाके जो जितने भी आगे के जो बेबी हेयर होते हैं जितने भी छोटे छोटे हेयर होते हैं ना जाके मैं उसी टाइम उसको ट्रिमर से क्लीन करा लेता हूँ, और जिसकी वजह से आगे की जो आपकी लाइन है ना जो रिसीडिंग लाइन है वो काफ़ी शार्प दिखाई देती है, और इससे आपको जो हेयर स्टाइल है वो भी काफ़ी फाइन दिखाई देता है और आप काफ़ी अच्छे लगते हो। तो अगर आपके जो छोटे छोटे हेयर है वो आगे से आ रहे हैं तो अगर आप चाहो तो उसको सैलून पे जाके उसको ट्रिम करवा सकते हो ट्रिमर से, या फिर अगर आपके पास ट्रिमर घर पे ही है तो आप घर में भी उसको आप ट्रिम कर सकते हो। और बेसिकली ध्यान रहे कि आपको धीरे धीरे करना है मतलब आराम से, और ऐसा ना हो कि मतलब पूरे बाल लेके आप बैठे हो, ऐसा आपको नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास है वो है हेयर स्टाइल। अब यार यहाँ पर हेयर की जो प्रॉब्लम है बहुत सारे बंदों को होती है। अब जस्ट अगर मान लो आपको पार्टी वगैरह में जाना होता है तो आप अपने घर पे अपने हेयर को स्टाइल करते हो, और वहाँ मतलब आई नो कि बहुत सारी लड़कियाँ भी आने वाली है तो उनको इम्प्रेस करने के लिए आप ये जो हेयर स्टाइलिंग में बहुत ज़्यादा करते हो। अब हेयर स्टाइलिंग करने के बाद जो एक्सपेक्टेशन होती है ना वो कुछ इस टाइप की होती है, वहाँ पर जाके भी मतलब ऐसे हम शॉर्ट दिखाएंगे और मतलब बहुत सारी लड़कियों को इम्प्रेस कर लेंगे, बट क्या होता है कि जैसे आप घर से बाहर निकलते हो तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो कुछ ऐसी रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती है और आप घर से बाहर निकलते कुछ इस टाइप के दिखाई देते हो। सर ये जो प्रॉब्लम है बहुत सारे बंदों को आती है और बेसिकली मुझको भी आती थी पहले, बट मैंने इसको फिक्स किया। इसके लिए आपको क्या करना है कि यार आप जो हेयर स्प्रे है वो आप बाय कर सकते हो। हेयर स्प्रे बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता, नॉर्मल आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहो बाय करना तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अच्छी हेयर स्प्रे की, जो आगे आप उसको बाय कर सकते हो। तो इसको जस्ट क्या करना है कि आपको आप जितनी भी आप हेयर स्टाइल करते हो ना हेयर स्टाइलिंग प्रॉपर करने के बाद अपने हेयर को पोजिशन पर लॉक करने के बाद जस्ट आपको जो हेयर स्प्रे है वो अप्लाई कर लेना है। हेयर स्प्रे से क्या होगा आपके जो हेयर ना पूरे लॉक हो जाएंगे, और बिल्कुल भी चाहे आंधी आ जाए तूफान आ जाए कुछ भी हो जाए तो आपके जो हेयर ना वैसे रहेंगे।
अब आई थिंक ये आंधी तूफान कुछ ज़्यादा ही हो गया, बट आपके जो हेयर है ना वो मतलब वैसे ही रहेंगे, वो बिल्कुल भी नहीं हिलने वाले और लंबे टाइम तक एकदम स्ट्रेट वैसे ही रहेंगे। तो इस चीज़ के लिए वीडियो को लाइक कर देना। तो बाय द वे ये तो कुछ ऐसी टिप्स जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो जितनी भी आपकी जो प्रॉब्लम है ना वो सारी जस्ट यू मिल्टो में सॉल्व हो जाने वाली है। तो अगर आपको वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उस पर टैप करना, और इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे फॉलो करते हो मेरा सबसे फायदा हो जाएगा। तो हम मिलेंगे दूसरी एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।